Assalamualaikum students, I hope you all are good. So today is our seventh lecture. So first of all हमारा जो है वो chapter number 1 और unit number 1 was completed. Now let's move towards the unit number 2. The unit number 2 is stopping by woods on a snowy evening means जंगलात में रुकना एक बर्फानी शाम में. आगे पोइट ने इसमें क्या लिखा है, क्या बताया है, अपना जो सिनेरियो जो वहाँ पे हुआ था उस वो हम लोग रीडिंग करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो वर्ड सुनो को रीड आउट करते हैं. नंबर वन इज़ डार्केस्ट इवनिंग यानी के तारीकी शाम, तारीकी यानी के जो है वो अंधेरे वाली शाम. Winter evenings are much darker than summer evenings in places closer to the North Pole. यानी कि हम जानते हैं कि जब गर्मियाँ होती हैं तो रात जो है वो देर लगती है तारीकी होने में, अंधेरा होने में. जब जो है वो सर्दियाँ होती हैं तो शाम जो है वो ज़्यादा तारीक हो जाती हैं गर्मियों के निस्बत. सो वही उन्होंने बताया है. अच्छा, सेकंड है डाउनी. डाउनी का मतलब है लाइक डाउन यानी के नीचे. द सॉफ्ट अंडर फीदर्स ऑफ यंग बर्ड्स यानी के परिंदों के परों के नीचे जो नरम जगह है उसको हम लोग डाउनी का नाम देंगे. फ्लेक यानी के स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, छोटे छोटे टुकड़े स्नो के, और फ्लेक्स यानी के फूल की तरह छोटे छोटे स्नो के बर्फ़ के टुकड़े. Harness the leather straps and belts used to control a horse. जैसा कि हम जानते हैं कि जो है वो horses के साथ हम लोगों ने एक leather की strap बांधी होती है जिसे पकड़ के हम लोग horse को move करवाते हैं, तो उसको हम लोग harness कहते हैं. अच्छा, let's move towards the reading. उससे पहले हम लोग poet का नाम पढ़ेंगे. Robert Lee Frost जो है वो poet था जिसने ये poem लिखी, और उस वो अब क्या बयान कर रहा है इस पोएम में वो हम लोग इंशाल्लाह अभी रीड आउट करते हैं. हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, मैं जानता हूँ कि ये लकड़ियाँ, मेरा ख्याल है कि मैं जानता हूँ कि ये लकड़ियाँ किसकी हैं. हिज हाउस इज़ इन दी विलेज, तो उसका घर जो है वो गांव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ रुका हुआ नहीं देखेगा. टू वॉच हिज वर्ड्स फिल अप विद स्नो, क्योंकि जो लकड़ियाँ हैं उस पर वो बर्फ़ से भरी हुई हैं. माई लिटल हॉर्स, अब जैसे कि उन्होंने पिक्चर में शो किया हुआ है ये घोड़ा इतना कोई भरा नहीं है, ये जो है वो छोटा सा हॉर्स है. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर, यानी कि मेरा जो है वो छोटा सा घोड़ा अजीब सोच, ज़रूर अजीब सोच रहा होगा. क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि हम यहाँ पर रुक गए जहाँ करीब कोई फार्म हाउस भी नहीं है. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगलात और बर्फानी नदियों के बीच. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की तारीकी शाम में. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, उसने अपनी घंटियों को हिलाया. टू आस्क, पूछने के लिए. इफ देर इज सम मिस्टेक, के यहाँ कोई गलती हुई है. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और एक जो है वो दूसरी साफ आवाज़ ऑफ इजी विंड, बहुत ही जो है वह हल्की आने वाली हवा की. एंड डाउनी फ्लेक, और जो है वो बहुत ही फ्लेक यानी के बर्फ़ के जो है वो टुकड़े नरम से जो के नीचे आते हुए दिखाई दे रहे थे. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो जंगलात थे वो बहुत खूबसूरत तारीक और गहरे थे. बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, पर मैंने इन्हें रखने के लिए वादा किया. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले जाना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों
सफ़र तय करना है मेरे सोने से पहले। दिस इज़ आवर पोइम, ये हमारी पोइम थी। इसमें उन्होंने जो है जंगलात का जिक्र किया है, जहाँ पे एक जो है वो आदमी जिसका नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जिसने ये पोइम लिखी है, वो आया अपने घोड़े के साथ और वहाँ पे वो रुक गया। वहाँ पे बहुत बर्फ़ थी और उसके साथ उसका जो गोरा था वो अजीब तरह का सोच रहा था, क्योंकि वहाँ उनके करीब जंगलात में कोई फार्म हाउस नहीं था। उसमें दो करेक्टर्स हैं, एक जो है वो पोइट है खुद और एक हॉर्स है। तो दिस इज़ आवर पोइम। सो लेट्स मूव ऑन टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। वोकैबुलरी वर्ड्स आर डाउनी, डाउनी, फ्लेक एंड हार्नेस। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डायरी। योर डायरी इज़ रीडिंग कीवर्ड्स प्रॉपरली ऑफ यूनिट टू। रीडिंग में जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। रीडिंग के बारे में आपको आइडिया हो कि रीडिंग में क्या बताया है और जो है वो इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, ये सब आपको जो है वो आइडिया हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।